नमस्कार, मैं पल्लवी सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मतदान केंद्रों के लिए चुनावी साहित्य रवाना। चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी वरिष्ठ अधिकारियों ने। लग्जरी बस संचालकों ने शुरू किया मनमाना किराया वसूलना। मतदान के लिए कर सकते हैं 11 परिचय पत्रों का इस्तेमाल। जायसवाल महिला संगठन ने मनाई सामूहिक करवा चौथ पूजन। अब समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा विधानसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया की पूरी तैयारी कर ली है। रविवार को चुनाव कार्यों में लगे अधिकारी व कर्मचारी कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम वीवीपैट व चुनाव साहित्यों के साथ मतदान केंद्रों पर रवाना हुए। सोमवार 21 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया ली जा रही है, जिसके लिए मतदान यंत्र वीवीपैट व साहित्य का वितरण किया गया। अकोला जिले के कुल 15,77,476 मतदाता है। इन मतदाताओं को मतदान में अपने अधिकार का प्रयोग करते आए इसके लिए चुनाव विभाग ने जिले में 1703 मतदान केंद्रों की स्थापना की है। अकोला जिले के विधानसभा मतदाता संघ के केंद्रों से चुनाव कर्मचारियों को चुनाव साहित्य का वितरण किया गया। प्रत्येक तहसील में एक आदर्श मतदान केंद्र, एक महिला चलित मतदान केंद्र, एक दिव्यांग मतदान केंद्र की स्थापना की गई है। अकोला जिले के 171 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग द्वारा नजर रखी जाएंगी। मतदान पथक की परिवहन व्यवस्था के लिए एसटी महामंडल की 194 बसें, 84 मिनी बसेस व 183 जीप गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस प्रशासन द्वारा कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रमाण में पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। जिले में राज्य आरक्षित बल व केंद्रीय आरक्षित बल की 5 अतिरिक्त टुकड़ियां बुलाई गई है। जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन भवन में जिला चुनाव निर्णय अधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मतदान और मतगणना प्रक्रिया की जानकारी पत्रकार परिषद में दी। जिले में चुनाव प्रक्रिया तथा मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तथा निर्वाचन आयोग ने जो व्यवस्था बनाई है उसकी जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सर्वाधिक 386 मतदान केंद्र मूर्तिजापुर निर्वाचन क्षेत्र में है। अकोला पूर्व में 350, बालापुर में 336, अकोट में 331, जबकि सबसे कम 300 मतदान केंद्र अकोला पश्चिम विधानसभा में है। रविवार को सभी पोलिंग पार्टियां सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी कार्यालय से मतदान की परिपूर्ण सामग्री लेकर अपने नियोजित मतदान केंद्र के लिए रवाना होंगे। इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से लगभग 8,500 अधिकारी कर्मचारी सेवा में लगाए गए हैं। निर्वाचन विभाग ने पोलिंग पार्टियों को उनके मतदान केंद्र तक ले जाने तथा वहां से मतदान पश्चात निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक लाने के लिए 461 वाहन तैनात किए हैं, जिनमें रानपे की 194 बसें, 84 मिनी बसेस तथा 183 जीप गाड़ियों का समावेश है। पत्रकार परिषद में जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर, उप जिला चुनाव अधिकारी राजेश खवले, CEO आयुष प्रसाद, निवासी उप जिलाधिकारी प्राध्यापक संजय खड़से उपस्थित थे। दीपावली के पहले ही लग्जरी बस संचालकों ने यात्रियों की जेबें काटनी शुरू की है। ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलना शुरू किया गया है। दीपावली को देखते हुए लग्जरी कंपनियों व संचालकों ने अपने किराए में बढ़ोतरी शुरू कर दी है, जिसकी चोट यात्रियों की जेबों पर पड़ रही है। अकोला से पुणे मुंबई के लिए जाने व वापस आने के लिए लग्जरी संचालकों द्वारा मनमाना किराया वसूला जा रहा है। अकोला के अधिकांश छात्र व युवक शिक्षण व नौकरी के लिए पुणे मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं। दीपावली पर सभी अपने अपने गाँव शहर लौटते हैं और दीपावली मनाने के बाद फिर से पुणे मुंबई लौट जाते हैं। दीपावली की छुट्टियों के कारण रेलवे का आरक्षण कई दिनों पहले ही फुल हो गया है, जिसके बाद लग्जरी बसों को प्राथमिकता दी जा रही है। लग्जरी बसों की कंपनियों ने ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू की है।
जिसके माध्यम से मनमाना किराया वसूलना शुरू हो गया है। 15 दिन से 1 महीने तक यह लूट जारी रहने वाली है। लग्जरी बस संचालकों की लूट की जानकारी उप प्रादेशिक परिवहन विभाग को होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र न हो तो भी आप वैकल्पिक पहचान पत्रों के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके लिए 11 तरह के पहचान पत्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विधानसभा सार्वत्रिक चुनाव के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदान पहचान पत्र दिए गए हैं। जो मतदाता अपने मतदान पहचान पत्र दिखाने में असमर्थ रहेंगे, उनके लिए विकल्प के रूप में अन्य 11 तरह के पहचान पत्रों का इस्तेमाल पहचान के दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने पर मतदान किया जा सकेगा। इसे चुनाव आयोग की ओर से मंजूरी मिल गई है। इसमें से किसी भी एक दस्तावेज मतदाता अपनी पहचान के सबूत के तौर पर मतदान केंद्र पर प्रस्तुत कर सकेंगे। यह जानकारी उप जिला चुनाव अधिकारी राजेश खवले की ओर से दी गई है। मतदान के लिए जरूरी माने जाने वाले अन्य दस्तावेजों में पासपोर्ट, वाहन चालक लाइसेंस, छायाचित्र युक्त कर्मचारी पहचान पत्र, केंद्र राज्य शासन, सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की ओर से कर्मचारी को दिया गया पहचान पत्र, छायाचित्र युक्त बैंक पासबुक, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की ओर से नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार अंतर्गत निर्गमित किया गया स्मार्ट कार्ड, छायाचित्र युक्त निवृत्ति वेतन दस्तावेज, सांसद विधायक विधान परिषद सदस्य का पहचान पत्र, आधार कार्ड, इन 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक प्रस्तुत कर मतदान किया जा सकता है। मतदाता इसे संज्ञान में ले, यह आवाहन किया गया है। अकोला के जटहरपेट स्थित उत्सव मंगल कार्यालय में जयसवाल समाज महिला संगठन की ओर से करवा चौथ का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने सामूहिक रूप से चंद्रदेव व पतिदेव की पूजा अर्चना की। अकोला के जयसवाल समाज महिला संगठन द्वारा जटहरपेट स्थित उत्सव मंगल कार्यालय में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में करवा चौथ का पर्व मनाया गया। इस पर्व की गरिमा व सात्विकता बनाए रखने के लिए पूजा विधि विधान एवं शास्त्रोक्त हो, इसके लिए पंडित तुलसी जुगल किशोर का सहयोग लिया गया। पंडित जी के मार्गदर्शन में सभी महिलाओं ने पूजा अर्चना की। सर्वप्रथम महिलाओं ने गौर गणेश का पूजन किया और करवे का आदान प्रदान किया। पति द्वारा दिए गए दूध का विधि से अनुसार अंजलि से प्राशन किया गया। जयसवाल समाज की सभी महिलाओं ने चंद्र पूजन कर छलनी से चंद्र और पतिदेव के दर्शन लिए। इस कार्यक्रम में सौ रेणु सुनील जयसवाल, चंदा श्री किशन जयसवाल, सुजाता राजेंद्र जयसवाल, प्रीति प्रकाश जयसवाल, डॉक्टर विद्या जितेंद्र जयसवाल, अर्चना सुनील जयसवाल, आरती धीरज जयसवाल, अर्चना संजय जयसवाल, मेघा मनोज जयसवाल, शशिकला गोपाल जयसवाल, सुनीता दीपक जयसवाल, मनीषा प्रदीप जयसवाल आदि महिलाएं शामिल हुई थी। इस करवा चौथ कार्यक्रम में 57 सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सौ सुजाता जयसवाल, सौ रेणु जयसवाल, चंदा जयसवाल ने अपना योगदान दिया। अकोला के शिवनी टी पॉइंट की सड़क अत्यंत ही खस्ता हालत हो गई है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। सड़क की खस्ता हालत के कारण कपास से भरा आयशर ट्रक पलट गया। राष्ट्रीय महामार्ग पर शिवनी टी पॉइंट के पास सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफी बढ़ गया है। शनिवार की रात 12 बजे के दौरान सड़क के गड्ढे के कारण वेस्ट कॉटन से भरा आयशर पलट गया। यह आयशर वेस्ट कॉटन का माल लेकर जालना की ओर जा रहा था, तब शिवनी टी पॉइंट के पास गड्ढों के कारण चालक का नियंत्रण गड़बड़ा गया, फलस्वरूप आयशर पलट गया। सुदैव से इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। बाद में क्रेन की सहायता से आयशर को खड़ा किया गया। इस दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय महामार्ग का यातायात कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। अकोला गांधी मार्ग से श्री आदिनाथ जैन मंदिर में लक्ष्मी व सरस्वती पर आधारित पौराणिक नाटिका प्रस्तुत की गई। इस कार्यक्रम को देखने के लिए जैन समाज के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला के गांधी चौक स्थित श्री आदिनाथ जैन मंदिर में सफलतापूर्वक चतुर्मास का आयोजन चल रहा है। जैन मंदिर में सामाजिक उद्बोधन एवं समाज व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए नाटिकाओं और पुरातन सार्थक कहानियों का मंचन किया जा रहा है। इसी के अंतिम कड़ी के रूप में रविवार 20 अक्टूबर को माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती की श्रेष्ठता को लेकर पौराणिक संवाद का नाटिका का मंचन किया गया,
जिसमें बताया गया कि धन की पूजा सभी जगह होती है। धन की देवी लक्ष्मी जी का महत्व विद्या की देवी सरस्वती से थोड़ा अधिक बताया गया है। सरस्वती को प्रसन्न किए बिना माता लक्ष्मी किसी के यहाँ विराजित नहीं होती है। इस नाटिका में सरस्वती की भूमिका भावना सावला ने, जबकि लक्ष्मी की भूमिका सपना खिलोदिया ने की। इस नाटिका को देखने के लिए जैन समाज के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रस्तुत है इस नाटिका की एक झलक। अकोला महानगर पालिका में कार्यरत सफाई मजदूरों के लिए यूनिफॉर्म का कपड़ा लंबे समय से आरोग्य विभाग के पास पड़ा हुआ है, जिसके सिलाई का समय मनपा को नहीं मिल पा रहा है। अकोला महानगर पालिका की आस्थापना पर होने वाले सफाई कर्मचारी तथा ठेका तत्व पर नियुक्त सफाई कर्मचारियों को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि मनपा के सफाई कर्मचारियों को लंबे समय से यूनिफॉर्म नहीं मिल पाया है। इस कारण सादे कपड़ों में ही वे सफाई का काम करते हैं। कई कर्मचारी अपने स्थान पर दूसरों से काम करवाने का भी कारनामा करते हैं। इस पर लगाम कसने के लिए मनपा ने नए यूनिफॉर्म देने का नियोजन किया, लेकिन लंबे समय से मनपा के आरोग्य विभाग के पास कपड़ा पड़ा हुआ है। तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने के कार्यकाल में मनपा के सफाई कर्मचारियों को नए यूनिफॉर्म दिए गए थे, जिससे खाकी कलर के यूनिफॉर्म में सफाई कर्मचारियों को पहचानना आसान हो रहा था। दैनिक इस्तेमाल के कारण यूनिफॉर्म फट गए, लेकिन तब से उन्हें दोबारा यूनिफॉर्म नहीं मिला। मनपा के आरोग्य विभाग ने नियोजन करते हुए यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा खरीदा, लेकिन सिलाई खर्च के मुद्दे पर मामला अटक गया। अंततः सफाई कर्मचारियों के बैंक खाते में दो गणवेश सिलाई के लिए 1,000 रुपये डालने पर निर्णय हुआ। इसके बावजूद लंबे समय से यूनिफॉर्म सिलाई का मुहूर्त नहीं लगा है। इस कारण मनपा प्रशासन को जो अनुशासन निर्माण करना है वह नहीं हो पा रहा है। जानकारी के अनुसार सिलाई के लिए टेलर ढूंढा गया है, जिसके साथ वार्तालाप के बाद सफाई कर्मचारी को कपड़ा मिल जाएगा। अकोला के प्रमिला योग सभागृह में कस्तूरी व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस व्याख्यान माला में प्रसिद्ध विचारवंत अपने विचार रख रहे हैं। अपने शास्त्रों में पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। यह विज्ञान समाज मन पर लाने के लिए रूपकात्मक कथाओं की निर्मिति की गई। आज वे काल बाह्य साबित हो गई है, परंतु उसके तत्वज्ञान की आज भी समाज को जरूरत है, जिसके लिए सबसे पहले शास्त्रों की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। इस प्रकार का प्रतिपादन विचारक श्रीधर गाड़गे ने किया। कस्तूरी चैरिटेबल सोसाइटी अकोला एवं सौ सुनंदाताई शांताराम बूटे वारकरी शिक्षण विद्यालय आपूर्ति के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार से 2 दिवसीय कस्तूरी व्याख्यान माला का आयोजन प्रमिलादाई ओक सभागृह में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर महानगर के संघ संचालक श्रीधर गाड़गे ने पुण्यभूमि भारत विषय पर बोल रहे थे। इस व्याख्यान माला को सुनने के लिए प्रबुद्ध नागरिक भीड़ कर रहे थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। मतदान केंद्रों के लिए चुनावी साहित्य रवाना। चुनाव प्रक्रिया की जानकारी दी वरिष्ठ अधिकारियों ने। लग्जरी बस संचालकों ने शुरू किया मनमाना किराया वसूलना। मतदान के लिए कर सकते हैं 11 परिचय पत्रों का इस्तेमाल। जयसवाल महिला संगठन ने मनाई सामूहिक करवा चौथ पूजन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। लोकशाहीचा बाळगू अभिमान, चला करूया मतदान। आपका मतदान लोकतंत्र की जान। माझं मत माझा अधिकार। लोकतंत्र की सुनो पुकार, वोट डालकर चुनो सरकार। मतदान हमारा अधिकार नहीं, पहला कर्तव्य है। छोड़ो अपने सारे काम, आओ पहले करें मतदान।
एक वोट आपका हक आपकी आवाज। जागरूक देश की एक ही पहचान, शत प्रतिशत हो मतदान। देश के विकास में दो अपना योगदान, आओ मिलकर करें मतदान। चला करूया मतदान, मी तर केलं, तुम्ही पण करा।